उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के 51,000 प्लस पदों का इंतजार। बीएड अभ्यर्थियों के साथ बीटीसी डीएलएड के अभ्यर्थी लगातार कर रहे हैं, जिसको लेकर कल दिनांक 24 फरवरी को महाधरना प्रदर्शन किया गया। वहां पर बहुत सारे अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया। हम पहले आपको यही अपडेट दिखा देते हैं। यह कुछ अभ्यर्थी थे जिन्हें गिरफ्तार कल किया गया था। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि रोजगार मांग रहे युवाओं को पुलिस ने भेजा जेल। जी हाँ, गिरफ्तार किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं शासन ने यहाँ पर अभ्यर्थियों को ठेस पहुँचाई। रोजगार देने की बात कहकर रोजगार नहीं दिया जा रहा है, अभ्यर्थियों को जेल भेजा जा रहा है। हालांकि कल देर रात अभ्यर्थियों को छोड़ दिया गया और यहाँ पर बीटीसी के जो भी अभ्यर्थी थे, जो डीएलएड के अभ्यर्थी थे, जो धरना दे रहे थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया था, लेकिन छोड़ दिया गया। लेकिन कोई भी यहाँ पर अपडेट नहीं मिली। उसी के चलते आज 25 फरवरी को सुबह 11 बजे से ट्विटर पर फिर से ऑनलाइन अभियान अभ्यर्थियों ने छेड़ा है। आज का हैशटैग रखा है #NoUPPRT NoVoteBJP, जो कि पहले भी ये रखा जा चुका है। इसी से संबंधित आपको भी ट्वीट करना है, क्योंकि पिछली लगभग 2 से 3 बार जो ट्विटर अभियान हुआ, उसमें लाखों की संख्या में अभ्यर्थियों ने ट्वीट किया। कल धरना प्रदर्शन भी किया SCERT पर, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि आज फिर से ये ऑनलाइन धरना होने जा रहा है। तो इस धरने में आप जरूर शामिल हों, अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि 51,000 प्लस प्राथमिक शिक्षक भर्ती आए, क्योंकि विज्ञापन आना है, ये तय है। 2021 में विज्ञापन 51,000 प्लस का आना तय है, लेकिन जल्द आ जाए, अगर यूपी टेट जल्द कराकर आ जाए तो जल्द इसी वर्ष नौकरी मिल जाएगी। अन्यथा की स्थिति में ये चुनावी जो डीली है उसके अनुसार ये उसी में फंस कर रह जाएगी और फिर लंबे समय तक ये भर्ती प्रक्रिया फंसी रहेगी। इस कारण से अभ्यर्थी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द भर्ती का विज्ञापन जारी हो। तो ये अपडेट थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। ऐसी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।